हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवलिंग तड़का एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बहुत दिनों के बाद हम आपको लेके जाने वाले हैं सातारा, जो कि पुणे से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और वहां हम देखेंगे सज्जनगढ़, जो सातारा से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। हमने ये ट्रिप हमारी शरारती फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय की और सज्जनगढ़ के इतिहास के बारे में भी जानकारी ली। तो चलिए सातारा सज्जनगढ़ की सैर करने। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सज्जनगढ़, ये किला महाराष्ट्र के सातारा शहर में स्थित है। ये संत रामदास स्वामी जी का अंतिम विश्राम स्थल है। सातारा से सज्जनगढ़ का डिस्टेंस 15 किलोमीटर है। यहाँ आप आपके पर्सनल व्हीकल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर से आ सकते हो। हमने ये सफर हमारी शरारती फैमिली के साथ शुरू किया। हमारी फैमिली में सभी को ट्रैवलिंग करना बेहद पसंद है। अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो आपको रास्ते में ज्यादा ग्रीनरी नहीं देखने मिलेगी। यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट, स्कूल ट्रिप्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली विजिट करने आते हैं। सातारा से तकरीबन एक घंटे में हम सज्जनगढ़ पहुँचे। यहाँ पहुँचते ही आपको टू व्हीलर, फोर व्हीलर, बसेस की पार्किंग सुविधा अवेलेबल की गई है। यहाँ पर आपको पे एंड पार्क एंड फ्री पार्किंग का भी ऑप्शन अवेलेबल किया गया है। हमने गाड़ी पार्क की और हम निकले सज्जनगढ़ की चढ़ाई करने। वृद्ध लोग या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए किला चढ़ने के लिए सवारी का भी इंतजाम किया गया है। ये है हमारे संतोष अंकल, जो सातारा में अजिंक्य फोर्ट के फुटहिल पे बसे जकातवाड़ी में रहते हैं, और यहीं से हमने हमारी सज्जनगढ़ की ट्रिप की शुरुआत की। किला चढ़ते वक्त आपको हर जगह छाछ, दही, नींबू पानी, स्नैक सेंटर, एनर्जी ड्रिंक्स के स्टॉल्स देखने मिलेंगे। श्री रामदास स्वामी जी ने इसी किले पर कुल 11 हनुमान जी की मूर्तियों को खुद अपने हाथों से स्थापित किया है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर टूरिस्ट के लिए बैठने की जगह भी यहां पर की गई है। सज्जनगढ़ हमेशा से ही महाराष्ट्रीयन देशभक्तों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहा है। ये उन साधुओं के लिए प्रेरणा का स्थान है जो संसार त्याग करके परमार्थ के मार्ग को स्वीकार करते हैं। इसी किले पर आपको श्री रामदास स्वामी जी की समाधि और उनकी कुछ वस्तुएं देखने मिलेंगी, जिन्हें यहाँ के प्रशासन ने बहुत ही अच्छी तरीके से जतन करके रखा है। छोटे बच्चों के लिए यहाँ श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बेस में फोटो निकालने के लिए स्टॉल्स भी अवेलेबल की गई है। किले की चढ़ाई करते वक्त आजू बाजू के दृश्य मन को मोहित कर देते हैं। बारिश के मौसम में तो यहाँ के नज़ारे दिल को छू जाते हैं। यह है श्री छत्रपति शिवाजी महाराज महाप्रवेश द्वार। चढ़ाई करके हम थक गए तो कुछ देर के लिए हम यहाँ रुक गए और फैमिली फोटोज निकाली और चल पड़े ऊपर की तरफ। कुछ कदम चलते ही हमारी फैमिली ने फिर से शरारत चालू कर दी। मस्ती, मजाक, शरारत करने का एक भी मौका हमारी फैमिली नहीं छोड़ती है। पहला प्रवेश द्वार क्रॉस करके हम पहुंचे किले के मुख्य द्वार पर, जिसे श्री समर्थ महाद्वार भी कहा जाता है। दोनों महाद्वार का कंस्ट्रक्शन पुरातन ही रखा गया है और अंदर आपको गोलाकार घुमट देखने मिलेगा, और जगह जगह पर श्री रामदास स्वामी जी के संदेश और सुविचार लिखे गए हैं। ये किला 2 अप्रैल 1673 को श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बीजापुर के कब्जे से जीत लिया था। समारोह के दौरान समर्थ रामदास जी ने किले का नाम सज्जनगढ़ रखा और अपने हाथों से किले पर भगवा झंडा लहराया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक लोग किले का इतिहास जानने के लिए इस किले पर आते हैं। यह है घोड़ाड़े लेक, जिसे पीने के पानी के लिए यूज किया जाता है और इसे बहुत ही अच्छी तरीके से साफ भी रखा जाता है।
ये है मुक्काम लेक। अगर आपने स्नैक्स या फिर पानी कैरी नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं, किले पर स्नैक सेंटर, रेस्टोरेंट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अवेलेबल है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से कुछ दूरी पर ही स्थित है हनुमान जी का मंदिर। यही श्रीधर स्वामी जी महाराज की कुटी, यहाँ श्री समर्थ रामदास स्वामी और श्रीधर स्वामी जी के पादुका का मंदिर है। यह है सोनाले लेक। किले पर बसे हुए लोग इस सोनाले लेक के पानी का उपयोग हर रोज के काम के लिए करते हैं। यहाँ पर आपको श्री रामदास स्वामी जी की बेहद ही आकर्षित मूर्ति देखने मिलेगी। इस नूतन प्रवेश द्वार से होकर हम मंदिर की ओर जाएंगे। इसी किले पर स्थित श्री राम मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण, सीता और मारुति भगवान की पंच धातु की मूर्तियों को तमिलनाडु से लाया गया है। गणपति जी के दर्शन करके हम बढ़ गए श्री राम, लक्ष्मण, सीता मैया का दर्शन करने। तो ये है श्री राम मंदिर और श्री रामदास स्वामी जी का समाधि स्थान। मंदिर के अंदर ही समाधि तक जाने के लिए एक छोटी गुफा का निर्माण किया गया है, जिसे क्रॉस करके हम पहुंचते हैं समाधि की तरफ। समाधि के दर्शन करके हम मंदिर के बाहर आ गए। हम मंदिर के बाहर आ गए और हमने अशोकवन में थोड़ी देर विश्राम किया और हम निकले अन्न छत्र की तरफ महाप्रसाद लेने के लिए। यहाँ प्रतिदिन महाप्रसाद भक्तों के लिए तैयार किया जाता है और यहाँ दोपहर 12 से 2 बजे तक महाप्रसाद परोसा जाता है। किले पर श्री रामदास स्वामी जी की वस्तुएं, वस्त्र आदि का जतन किया गया है। इस फोटो में आपको श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, संत तुकाराम महाराज और श्री रामदास स्वामी जी दिखाई देंगे। अंदर श्री शिवाजी महाराज जी ने श्री रामदास स्वामी जी को दिया हुआ पलंग और बाकी सारी वस्तुएं जतन की गई है। और ये है 2 बड़े घड़े, जिससे वो खुद नीचे से पानी भरकर किले पर लेके आते थे। तो आप सोच सकते हो कि वो ज्ञानी के साथ साथ बलवान भी थे। म्यूजियम देख के हम बड़े हनुमान जी की मंदिर की तरफ, जो कि किले के पिछले भाग में स्थित है। किले पर पानी की टंकी अवेलेबल है, जिससे किले पर रहने वाले लोगों को पानी सप्लाई किया जाता है। किले से नीचे बसा हुआ परड़ी गांव दिखाई देता है और इसी वजह से इस किले को परड़ी का किला भी कहा जाता है। और ये है उरमोड़ी डैम। यहाँ से नीचे का नजारा बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। हनुमान मंदिर की ओर जाते वक्त रास्ते में हमको रैट स्नेक दिखाई दिया, जिसे हम मराठी में धामन भी कहते हैं। तो आप जब भी अपने बच्चों के साथ ऐसी जगह पर आओ तो आप उनका जरूर ध्यान रखिए। अप्रैल 1700 में सातार का अजिंक्य तारा किले पर औरंगजेब ने कब्जा कर लिया और उसी वक्त सरदार को सेना बल देकर सज्जनगढ़ पर हमला करने का आदेश दे दिया। फिर 24 अप्रैल 1700 से 15 मई 1700 तक सरदार और सेना बल ने सज्जनगढ़ को घेर लिया। तब मराठा वीर परशुराम त्र्यंबक जी ने किले का रक्षण आखिरी दम तक किया, किंतु औरंगजेब ने किले को हासिल किया और किले को नव सातारा नाम रख दिया। किंतु प्रजाजनों में इस किले को श्री रामदास स्वामी जी ने दिया हुआ सज्जनगढ़ नाम ही प्रचलित है। ये है हनुमान टेम्पल। इसकी बहुत ही खूबसूरत रचना की गई है और यहाँ बेहद शांति और रिलैक्स फील होता है।
यहाँ पर वाटर सप्लाई पाइपलाइन दिखाई देगी जिसे फोर्ट पर पानी का सप्लाई किया जाता है। किले से नीचे उतरते वक्त हमने कोल्ड ड्रिंक्स ली और रास्ते में इन बंदरों ने बॉटल्स छीनकर कोल्ड ड्रिंक्स पीने का आनंद लिया। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके थॉट्स सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली नई वीडियोज़ के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू।